नगर निगम में चल रही जांच सवालों के घेरे में कांग्रेसी पार्षदों ने लगाए कई गंभीर आरोप। नगर निगम रीवा, नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर निगम ग्वालियर इन दिनों जांच के दायरे में है। यूं तो कहा जा सकता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है जांच की। आपको पैसे मिले, आपने खर्च किए, कहां और कैसे बस यही बताना है। लेकिन पूरा हाल मेल इसी में छुपा है। काम करने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। नगर निगम में भी यही तरीका था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो सबकी निगाह में चढ़ गया। मेयर इन काउंसिल नगर निगम परिषद की अनुशंसा के बगैर कई कार्य प्रारंभ करा दिए गए, यह गंभीर आरोप है। जांच का दायरा 2 जनवरी 2015 से अब तक के कामों को लेकर है। कांग्रेसियों के पास नगर निगम के खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है। नगर निगम ऑफिस के अंदर एक कक्ष में लगा नो एंट्री का बोर्ड बगैर कहे बहुत कुछ कह रहा है। जांच दल का सरकारी ठिकाने में ना रुकना, लग्जरी होटल में आराम फरमाना भी कई सवाल खड़े करता है। अगर इन दावों में सच्चाई है तो माना जा सकता है सरकार पर एक बार फिर भारी रीवा नगर निगम। देखिए, नगर निगम में राज शासन ने यहाँ के वित्तीय प्रबंधन लेखा नियमों का पालन, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन की व्यवस्था का, लेखाओं का, अभिलेखों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रक्रियाओं का किस तरह से पालन हुआ है कि नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड से सभी नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है। जो रिपोर्टों में आएगा वो शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाए। ये रिपोर्ट जब बनेगी तभी उसका आकलन हो सकेगा और वो राज्य शासन में सबमिट किया जाएगा। नगर पालिक निगम रीवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए जैसे ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, उन्होंने 3 नगर निगमों के लिए जांच कमेटी बनाई। उसमें रीवा नगर निगम के लिए भी जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें से प्रमुख रूप से पीएन पांडे को जांच दल का प्रमुख बनाया गया। वो आए और यहाँ के विभिन्न नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उनकी जाँच की फाइलें देख रहे हैं। मैं भी उनसे मिला और मैंने उनको साफ साफ कहा कि चलो आप चाहे बंद कमरे में बैठो, हालांकि आपको सब मीडिया के सामने भी बहुत सारे और जो उन्होंने आरोप लगाए उनको बैठा करके फाइलों को देखना चाहिए, आपको होटल में नहीं बल्कि सर्किट हाउस में रुकना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं। मेरा मेन बिंदु ये है कि जाँच हो, क्योंकि यहाँ लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी लिप्त हैं। तो मैंने उनसे साफ कहा कि यदि यहाँ कोई नहीं फंसा, जांच में सही चीज़ें नहीं आई, तो इस यदि कोई ना कोई आप बचाने का प्रयास करोगे तो मैं आपके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलूंगा, कमलनाथ जी से भी मिलूंगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने बोला है कि कांग्रेस का ही कार्यकर्ता नहीं, इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सीधे मिल सकता है, लोगों से बात कर सकता है। तो नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे वो गेंट्री घोटाला हो, होल्डिंग का घोटाला हो, चाहे समदड़िया का घोटाला हो, चाहे आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ऑडिटोरियम दिया गया, या अन्य कोई भी मुद्दे हैं, टेंडर फिक्सिंग के नाम पे घोटाला है, तो ये बच, मुझे लगता है कि बच नहीं पाएंगे। इसके बाद भी कोई किसी न किसी पे भरोसा करने की आवश्यकता होती है, तो जांच दल पे अभी मेरा भरोसा है और यहाँ से फाइल लेके जाएंगे। मैंने उनको बोला कि कैश बुक देखिए, डबल एंट्री सिस्टम देखिए, वो देख करके वो लेके जाएंगे। और इसके बाद यदि यहाँ कोई अधिकारी को बचना नहीं चाहिए, बचेंगे तो उसके बाद ऊपर देखिए, मैं जाऊँगा। ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक नगर पालिक निगम रीवा के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो जेल नहीं जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।